वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपके पोइट्री पार्ट के पोएम नंबर 3 टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस के आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन, समरी ऑफ द पोएम, साथ ही इसके आपके जो थीम मैसेज, सेंट्रल आइडिया और सारे क्वेश्चन आंसर्स का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले पोएम की रीडिंग कर लेते हैं। टाइगर इन द जू के हिंदी ट्रांसलेशन में पहला स्टेंजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यानी जो बाघ है वो स्टॉक्स यानी विचरण करता है, विविड स्ट्राइप्स यानी जो विविड यानी शाइनिंग चमकीली धारियां, कुछ कदम बढ़ता है पिंजरे में और उसकी जो पेयर्स हैं जो गद्देदार जो पंजे होते हैं उनमें जो गद्देदार जगह होती है वो मखमल के हैं। क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, वो मखमल के पंजे भी वो धीरे धीरे रख रहा है, यानी उसका जो क्वाइट यानी शांत रेज यानी क्रोध, उस क्रोध को दबाए हुए हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो बाघ है वो बड़ा असहाय स्थिति में है, वो अपने शांत मखमल के गद्देदार पैरों पर शांत होते हुए क्रोध में अपनी बहुत चमकीली रंगीन धारियों में अपने पिंजरे में ही स्टॉक्स यानी कि घूम रहा है। परतंत्र होने का दर्द हमेशा अंदर छिपा रहता है और ये भाग शांति से पिंजरे में इधर उधर घूमकर अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। लर्किंग का मतलब होता है हमला करने के लिए छिपा होना, शेडो यानी अंधेरे में, स्लाइडिंग यानी सरकते हुए, थ्रू यानी बीच में, ग्रास यानी घास, वाटर होल जलाशय, प्लम्प यानी मोटे तगड़े गोल मटोल, डियर हिरण, पास यानी गुजरना। इस बाघ को तो छाया में अंधेरे में लर्किंग यानी हमला करने के लिए छिपा होना हुआ होना चाहिए, जहां वो स्लाइडिंग धीरे धीरे सरकता है अपने शिकार पर। लॉन्ग ग्रास लंबी घास के पीछे, वाटर होल यानी जलाशय के पास में, नियर यानी पास में, क्योंकि सब जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। जहाँ प्लम्प यानी मोटे ताजे हिरण आएंगे, लेकिन वो तो पिंजरे में बंद है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स इज क्लोज टेररिंग द विलेज। उसे तो स्नार्लिंग यानी कि दांत दिखाते हुए घुर्राना चाहिए, एज यानी किनारे, बेरिंग यानी दिखाते हुए, फैंग यानी दांत, क्लोज यानी पंजे, टेररिंग यानी डराना, दहशत फैलाना। उसे तो अपने सफेद दांतों को और पंजों को दिखाकर दहशत फैलाते हुए जंगल के किनारे स्थित घरों के चारों ओर घूमना चाहिए, लेकिन ये बाघ कहाँ है, यानी कि जो स्नार्लिंग कर रहा है, दांत दिखाना, गांव वालों को डराना, उसके फैंग्स से, दांतों से, क्लोज पंजों से टेररिंग दहशत फैलाए गांव वालों को, बेरिंग यानी शोइंग दिखाते हुए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैद इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन उसको तो लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल में, एक सीमेंट रेती की, कंक्रीट गिट्टी की बनी हुई सेल यानी कोठरी में, और यहाँ पर उसकी ताकत स्ट्रेंथ तो उन सलाखों के पीछे चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो स्टॉकिंग कर रहा है, स्टॉकिंग का मतलब होता है विचरण कर रहा है, नाप रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, क्या लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे की लेंथ यानी लंबाई, इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे जो इग्नोर कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है विजिटर्स जो भी देखने आ रहे हैं उनको, उसे उनसे कोई मतलब नहीं है। ही hears द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पेट्रोलिंग यानी जो गश्त करते हैं रात में, उनकी अंतिम आवाज़ वो ईयर सुनता है, स्टेयर्स यानी टकटकी लगा कर देखना घूर रहा है, ब्रिलियंट यानी चमकने वाले स्टार्स यानी सितारों को, तारों को, एट द ब्रिलियंट स्टार्स विद ब्रिलियंट आइज, चमकीली आंखों से उन चमकते हुए तारों को देख रहा है, यानी कि बड़ा ही उदास है,
वह रात्रि को अंतिम आवाज गश्त लगाती कारों की सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते सितारों की ओर एकटक देखता रहता है। यानी चिड़ियाघर का बाघ इस तरीके से अपने को जंगल की अपनी स्वयं की जो उसकी स्वतंत्रता है उसे याद कर रहा है। यहाँ पर बड़ा दुखी है कविता के पोएट लेस्ले नॉरिस हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बाघ की जो परतंत्रता है और उसकी क्या अंदर की भावना है, क्या उसकी दशा है, उसका वर्णन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समरी ऑफ द पोएम में यानी कविता का सारांश है। इसमें आपके हमने पूरा ये पोएम है इसके बहुत शानदार और इजी लैंग्वेज में आपकी समरी प्रिपेयर की है। साथ ही इससे लॉन्ग आंसर टाइप अगर कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे मैसेज क्या है कविता का, कविता की थीम क्या है पोएम की और सेंट्रल आइडिया क्या है, और साथ ही और भी क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये कविता चिड़ियाघर के बाघ और नेचुरल यानी जो प्राकृतिक हैबिटेट यानी निवास स्थान में रहने वाले बाघ में कॉन्ट्रास्ट करती यानी इनमें डिफरेंस करती है, अंतर करती है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता जंगल की तरफ जाती यानी चिड़ियाघर से जंगल की ओर और वापस जंगल से चिड़ियाघर की तरफ हमें लेकर आती है। द पोएट डिस्क्राइब्स द पिटेबल कंडीशन ऑफ द टाइगर विच इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। कवि यहाँ पर वर्णन करता है पिटेबल का मतलब दयनीय, बड़ी ही दुख सेड कंडीशन है बाघ की जो कि सलाखों के पीछे लोग यानी कैद कर दिया गया है। ही इज सैड एंड रेस्टलेस बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। वो दुखी है और रेस्टलेस यानी बेचैन है क्योंकि वो उसकी स्वतंत्रता को लॉस्ट खो चुका है। ही शुड बी इन द जंगल इंस्टीड ऑफ इन द जू। वो तो जंगल में होना चाहिए चिड़ियाघर के बजाय। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे अ मैसेज डेट फ्रीडम इज डियर टू एवरी वन वेदर दे आर ह्यूमंस और एनिमल्स। कवि यहाँ पर एक संदेश देना चाहता है, क्वेश्चन बन जाए क्या मैसेज देना चाहता है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है चाहे वो इंसान हो या जानवर। द टाइगर थिंक्स अबाउट हिज डेज ऑफ फ्रीडम। जो बाघ है वो उसकी स्वतंत्रता के दिनों को याद करता है। नाउ हिज स्ट्रेंथ इज केप्ट बिहाइंड द बार्स। उसकी ताकत सलाखों के पीछे चली गई है। ही लेमेंट्स ओवर हिज प्रेजेंट कंडीशन। आज की कंडीशन पर लेमेंट्स यानी विलाप करता है, रोता है, क्राइज दुखी होता है। अ फ्री टाइगर स्नार्ल्स अराउंड द हाउसेज एट नाइट विच आर सिचुएटेड एट द एज ऑफ द जंगल। एक स्वतंत्र बाघ स्नार्ल्स अराउंड जो मकान होते हैं गांव के वहां पर जंगल के किनारे क्या करता है, गुर्राता है, भटकता है और दहाड़ता है। जो कि सिचुएटेड यानी स्थित होते हैं ये यानी किनारे जंगल के जो गांव होते हैं। ही शोज इज वाइट टीथ। उसके सफ़ेद दांतों को एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज और मजबूत पंजों को दिखाता है टू टेरराइज द पीपल। लोगों को डराने के लिए, उनमें दहशत बिठाने के लिए। बट द टाइगर इन द जू इज हेल्पलेस डिस्पाइट हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। लेकिन चिड़ियाघर का बाघ उसमें इतनी सब ताकत है लेकिन फिर भी हेल्पलेस है, असहाय है क्योंकि उसे चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं मैंने बताया थी मैसेज सेंट्रल आइडिया का, कितना भी बड़ा क्वेश्चन वर्ड लिमिट दे दिया आप बना सकते हैं। उसके बाद में कविता हमें क्या बताती है तो आप जितना चाहे वर्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं। कवि क्या बताता है बाघ के बारे में, क्या अंतर बताता है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बाघ की स्थिति कैसी है आप चाहे तो ये देखिए, उसको बाघ को बंद कर दिया गया है, उसकी स्वतंत्रता को दिए चिड़ियाघर के बाघ में, उसमें क्या है, बाघ दुखी क्यों है, ये सारी चीज़ें आप कुल मिलाकर कहीं से भी आप जितना चाहें पूरा मैटर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लॉन्ग आंसर में दे चाहे शॉर्ट आंसर में दे, आप क्वेश्चन देखिए एडिशनल वाले भी जो आपके गाइड पास बुक्स में दी हुई है सारी क्वेश्चन देखिए। हर काम मैं बता सकता हूँ कि कवि यहाँ पर मतलब जो बाघ है गांव वालों को कैसे डराता है। तो फ्री टाइगर स्नार्ल्स अराउंड द हाउस इज एट नाइट विच आर सिचुएटेड, इस तरह से वो मंडराता है, भटकता है, दहाड़ता है जंगल के किनारे और उसके सफ़ेद दांतों से मजबूत पंजों से डराता है। हर क्वेश्चन का आंसर है
तो आप लोगों को क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और समरी ऑफ द पोएम मैंने बताया, ट्रांसलेशन मैंने बताया और जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं सबके आंसर्स भी इसी में हैं। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कई सारे बोर्ड्स देते हैं तो रेफरेंस का तो वही तरीका है, दी लाइन शेव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम और टाइगर इन द जू कम्पोज बाय द पोइट देसले नॉरिस, और कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ से लिख लीजिए और चाहे तो यहाँ तक लिख दीजिए या फिर यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, जिनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है और कई लोगों के स्टेंज आता है चार लाइन देकर क्वेश्चंस उनका आंसर्स लिखना, तो उसकी भी ट्रिक हमने बनाई हुई है। अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक यू।